हेलो स्टूडेंट, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है और मैं डॉक्टर आर के मिश्रा। क्योंकि अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस बीएससी पार्ट वन मैथ ऑनर्स और सब्सिडरी के लिए ग्रुप ए के लिए पेपर टू, जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में जो है हम लोग को दो क्वेश्चन पढ़ना है, जो हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे अभी डिस्कस कर रहे हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है, लेबनिज है, मैकलोरियन है, टेलर्स है, इससे रिलेटेड जो है। बट बहुत सारे जो है बेसिक्स कॉन्सेप्ट को हम पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके वीडियो जो है अपलोड कर दिए हैं, वो आप अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। इसके बाद जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने लेबनिज थ्योरम को प्रूफ किए थे और आज हम लोग जो है लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड जो है प्रोग्राम को करते हैं। तो लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड प्रोग्राम करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि इसका क्या क्या पोर्शन है, क्या क्या यूज़ करेंगे। तो इसमें सबसे अधिक जो यूज़ होता है NC0 a के पावर n, ये पिछले क्लास में भी आपको बताया गया था कि इसमें जो है हम लोग जो सबसे अधिक यूज करेंगे बाइनोमियल का यूज करेंगे और कॉम्बिनेशन का। तो थोड़ा सा बेसिक्स दे देते हैं, मेन तो कॉम्बिनेशंस का ही ज्यादा यूज है। तो हम लोग कॉम्बिनेशन बेस का कुछ फॉर्मूला को लिख देते हैं जो बराबर इसका यूज हम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 11th में भी पढ़े हैं NC0 का मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। NC0 का मान क्या होता है 1, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पूछते कि NC1 तो ये ऑलवेज क्या होता है n होता है। NC2 ये कटाएंगे तो n n-1/2:1। फिर अगर आता है NC3 का वैल्यू तो हम लिखेंगे n n-1 n-2/3:2:1। इस तरह से बढ़ाते रहेंगे, NC4 रहेगा तो 3 तक चलेंगे। इस तरह से डॉट डॉट अगर हम लोग को कहेगा क्या कि NCN लिखना है, सपोज कीजिए कि NC तो ये ऑलवेज 1 होता है और एक थ्योरम NCN-1 ये कितना होता है n होता है। ये एक बेसिक चीज दिमाग में रखिएगा जिसका कि हम लोग बार बार यूज करेंगे। अब बात चलती है लेबनिज की। तो एक्चुअल में लेबनिज कब लगाते हैं, जब कोई भी फंक्शन u(v) के फॉर्म में हो और u भी वेरिएबल हो और v भी वेरिएबल हो। तो ऐसे फंक्शन में हम लोग क्या लगाते हैं तो yn लगाते हैं। ऐसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग yn जानते थे, लेकिन लेबनिज क्या बोलता है कि दो फंक्शन को वेरिएबल को क्या उससे अधिक भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो वही चीज जो पढ़ना है हमको, दैट इज कॉल्ड लेबनिज। तो चलिए एक दो सवाल को ले करते हैं तो और समझ में अच्छी तरह से आएगा। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ध्यान में देखिएगा कि y बराबर दिया है कितना, तो x² (e^x) बोल रहा है क्या चीज निकालने के लिए, फाइंड yn। स्थिर से समझिएगा y इक्वल टू कितना दिया है x² (e^x), अब बोल क्या रहा है निकालने के लिए, फाइंड yn निकालना है। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले देखिए लेबनिज की जब बात होती है तो पहले हमको un और v चाहिए। तो ये मेरा अंतिम पद un से शुरू ही होता है, तो हम लोग देखेंगे कौन सा u है कौन सा v है। दिमाग में चलता होगा जो पहले आया वो u है, जो बाद में आया v है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग ऐसा देखेंगे v जो है जिसका डिफ्रेंशिएट संभव हो, दैट मीन्स कि ऐसा पोर्शन में डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि एंड होते होते मतलब एक बार दो बार तीन बार में वो खत्म हो जाए। तो हम लोग अगर v इसको मान लेते हैं x² को समझा देते हैं u का n माने, और u हम लोग क्या मानते हैं e^ex। एक्चुअल में हमको un पद चाहिए। अगर u इसको मानते हैं तो u1 का क्या होगा x² का 2x, u2 का होगा x² 2x का 2, और u3 का 0 हो जाएगा। तो संभव un पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें देखिए un पॉसिबल हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो v1 लिखेंगे, x² का क्या होगा 2x, फिर निकालते हैं v2 2 × 1, v3 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। v1 का मतलब हुआ x² का 2x, v2 का हुआ 2 और कांस्टेंट का 0। और देखिए un है, अगर u1 लिखते हैं इसको, इसका क्या हो जाएगा डिफरेंस होता है e^ax (a), अगर u2 निकालते हैं तो e^ax (a) पहले से था (a) हो जाएगा, अगर u3 की बात होती है तो e^ax (a)(a)(a), n टर्म्स तक होगा। कहाँ तक होगा, n टर्म्स तक होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं e^ax, a को अगर n तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा e^n, इट मीन्स कि un मिला निकल गया। un क्या हो गया e^ax (a)(n) टर्म्स, यहाँ तक के लिए। लेकिन अगर un इसको लिखते, अगर u इसको मानते तो u1 क्या होता है 2x, u2 होता है 2 और u3 में ही खत्म हो जाता है, un हमको नहीं मिलता, इसलिए हम un माने। अब क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरम लगाते हैं, तो लेबनिज।
अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम। देखिए क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हमको क्या लगाना है, तो लेबनीज लगाना है, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम। देखिए लिखा है वाई एन हमको जरूरत है, पोर्शन क्या लिखा है एन सी जीरो, तो हम लोग कर देते हैं एन सी जीरो। यू एन, यू एन कितना है ई पे पावर ए एक्स इंटू ए पे पावर एन, और भी, भी के जगह आपने क्या माना है एक्स स्क्वायर। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, एन सी जीरो यू एन, यू एन के जगह ई पे पावर ए एक्स इंटू ए पे पावर एन, और इंटू हम लोग क्या लिखेंगे भी के जगह क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए सेकेंड पार्ट लिखेंगे क्या कि एन सी वन यू एन माइनस वन, तो ए पे पावर एन है तो एन माइनस वन करेंगे क्या हो जाएगा ए पे पावर एन माइनस वन इंटू ई पे पावर ए एक्स हो जाएगा। ए पे पावर कितना हो जाएगा एन माइनस वन इंटू क्या हो जाएगा ए पे पावर ई पे पावर ई एक्स और इंटू। अब देखिए उसके बाद क्या है वी वन, वी वन के जगह मेरे पास कितना हो जाएगा टू एक्स। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं एन सी वन ए पे पावर एन था तो ए पे पावर एन पद है ना, तो एन माइनस वन ये तो सेम उतर जाएगा, इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा, एन माइनस वन तक करेंगे, ये तो एन तक हो ही चुका है। अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद हो जाएगा एन सी टू ए पे पावर एन माइनस टू ई पे पावर ए एक्स ही रहेगा और टू एक्स का वन, दैट मीन्स की वी टू आ गया। और जब लास्ट पद हम लोग वी थ्री में चलेंगे तो मान लेते हैं कि क्या लिखते हैं एन सी थ्री ई पे पावर ए एक्स इंटू ए पे पावर, सॉरी पहले यही लिख देते हैं ए पे पावर कितना होगा एन माइनस टू के जगह क्या होगा थ्री ई पे पावर ए एक्स और भी थ्री का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो, तो ये खत्म हो गया। अब हम लोग देखिए क्या लिखेंगे इस पोर्शन को, एन सी जीरो का मान क्या होता है वन ई पे पावर ए एक्स इंटू ए पे पावर एन इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस एन सी वन। अभी जस्ट हम लोग लिखे क्या लिखे हैं तो एन इंटू ए पे पावर एन माइनस वन ई पे पावर ए एक्स इंटू टू एक्स। फिर हम लोग कौन सा पद लिखेंगे एन सी टू, तो एन सी टू को अभी जस्ट लिखे हैं एन एन माइनस वन एन एन माइनस वन बटे टू इस टू वन इंटू क्या होगा ई पे पावर ए एक्स इंटू टू, ये तो कॉन्स्टेंट टर्म, इसको जीरो करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या कि अरेंज कर देते हैं ए पे पावर एन ई पे पावर ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस ये लिखेंगे हम लोग क्या एन इंटू ए पे पावर एन माइनस वन ई पे पावर ए एक्स इंटू कितना होगा टू एक्स, बीच में प्लस ये टू क्या हो जाएगा ये टू कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखेंगे एन एन माइनस वन ई पे पावर क्या होगा ए एक्स होगा। इस पद तक जो है इस पद तक जो है हम लोग क्या किए लिख लिए हैं लिख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम क्या लिखेंगे ई पे पावर, देखिए ध्यान से देयरफॉर वाई एन इक्वल टू ई पे पावर कितना है तो ए पे पावर एन है। अब कुछ अरेंज हम लोग कर लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे ए पे पावर एन ई पे पावर ए एक्स और इंटू क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस। अब देखिए एन ए एन माइनस वन है मेरे पास कितना है तो एन ए एन माइनस वन इंटू टू ए एक्स, सबको अरेंज कर लेते हैं हम लिख सकते हैं टू एन ए पे पावर एन माइनस वन इंटू ई पे पावर ए एक्स इंटू एक्स हो जाएगा टू एन ई पे पावर या टू एन ई पे पावर ए एक्स ही। अब देखिए थर्ड वाला पद जो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे तो एन इंटू एन माइनस वन और ई पे पावर कितना होगा ए एक्स, क्या हो जाएगा एन एन माइनस वन इंटू ए पे पावर क्या होगा एन एक्स। और एक चीज यहाँ पे छूट गया था कि ए पे पावर एन माइनस टू, इस जगह पोर्शन में सॉरी माइनस टू से लिख देते ए पे पावर क्या हो जाएगा एन माइनस टू, यहाँ पर ये भी होगा ए पे पावर क्या होगा एन माइनस टू प्लस जीरो, इस जगह लिख सकते हैं ए पे पावर क्या होगा एन माइनस टू। चलिए इस जगह तक तो आपको समझ में आ गई होगी। अब फिर से हम लोग क्या करते हैं कुछ कॉमन ले लेते हैं पोर्शन, तो वाई एन तो मेरे पास दिया हुआ है वाई एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना है तो ई पे पावर ए एक्स, चलिए देखते हैं कुछ कॉमन अगर आता है तो अच्छी बात है। हम लोग क्या करते हैं सबसे लंबा ए पे पावर क्या है तो एन माइनस टू इंटू ई पे पावर ए एक्स, स्मॉलेस्ट पार्ट को कॉमन लिया जाता है ए पे पावर एन माइनस टू। अब देखिए यहाँ पे जो हम लिखते हैं ए पे पावर एन माइनस टू है यहाँ पर ए पे पावर एन है, देखिए ई पे पावर ए एक्स तो कॉमन नहीं है, ए पे पावर कितना है एन है तो इस जगह हम लिख सकते हैं अगर यहाँ पर ए स्क्वायर लिख दें इस पोर्शन में तो ये टू कैंसिल ए पे पावर एन ई पे पावर एक्स ए स्क्वायर इंटू क्या लिख देते हैं एक्स स्क्वायर, कहीं कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट टर्म में। दूसरा पद में देखिए क्या है
ए पे पावर एन माइनस टू कॉमन लिए, सॉरी ई पे पावर ए एक्स है ये है, यहाँ तो एक्स ले लेंगे पहले, टू एन ले लेंगे, ई पे पावर ए पे पावर एन माइनस वन है, यहाँ पर ए पे पावर एन माइनस टू, तो एक कम है, इट मीन्स कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, नहीं कुछ तो पावर एक है, एन माइनस टू प्लस वन, तो एन माइनस वन हो जाए, और लास्ट में देखिए क्या ई पे पावर इतना है, ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको क्या लिखेंगे, देयर फोर वाई एन बराबर ए पे पावर एन माइनस टू इंटू ई पे पावर एक्स, ये लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एन एक्स इंटू ए इंटू एन माइनस वन होगा। तो ये जो पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इट मीन्स कि आपको लगता है कि समझ में अच्छी तरह से आ जाना चाहिए, यही है लेबनिक, इसी को हम लोग एन पद तक लिखेंगे। तो लेबनिक में हम लोग जनरली क्या समझे कि कोई भी एन पद को हम किस तरह से, मतलब कि अगर दोनों वेरिएबल हो तो दोनों को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो हमको लगता है कि आप अच्छे से दिखिएगा, एक सवाल और करवाते और क्लियर हो जाएगा, तो ये समझ में, इसको स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज जो है फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम और करते हैं और समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद एक प्रॉब्लम को और बताते हैं, थोड़ा सा लेबनिक स्टैंडर्ड पार्ट है, एक क्वेश्चन जो हाफ क्वेश्चन इससे हमेशा रहता है और ऑलवेज आता है, इसी से रिलेटेड जो है लेबनिक, जब टेलर्स हम लोग पढ़ेंगे मैक्लॉरियन पढ़ेंगे तो दोनों तो एक ही जैसा है, टेलर और मैक्लॉरियन, थोड़ा सा डिफरेंसेस है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में कर्वेचर, एक या एक दिन का ही वीडियो आएगा, कर्वेचर में ज़्यादा दिन का नहीं आएगा, एक या बहुत स्लो चलेंगे तो दो दिन का आएगा, लेकिन इसमें भी दो तीन दिन का और आएगा, मतलब हम लोग का लगभग पांच वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रॉब्लम और उठाते हैं, देखिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन इसी हाथ बेस करके आता है, ये आपका सवाल दिया है कितना, तो क्वेश्चन नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है क्वेश्चन से, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या कि y इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, तब कहता है क्या, प्रूव दैट, प्रूफ क्या करना है, तो फर्स्ट सवाल में क्या दिया है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, y2 टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू जीरो, फर्स्ट माइनस टू या बराबर टू भी करेंगे, एक नंबर, और दो नंबर आपके पास सवाल कितना दिया है, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस, इसके बाद कितना दे दिया, टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई वन, टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, सॉरी एन प्लस वन, अब बीच में क्या दे दिया कि माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई एन इक्वल टू जीरो, ये दो चीज प्रूफ करना है, ये बहुत ही, इसको समझिएगा, लेबनिज आपको पूरा क्लियर कट समझ में आ जाएगा, क्या लिखा है, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस टू एन प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर वाई एन इक्वल टू जीरो, देखिए दो पर, ये तो सिंपल है, हम लोग प्रीवियस क्लास में इस चीज को प्रूफ किए हैं, और ये टू है, इसी बेस पे आपका ये प्रूफ होगा, लेबनिज होगा, इसमें लिखा रहेगा वाई एन प्लस टू, समझ जाइएगा कि nth टर्म के बाद वाला जब पद आने लगता है उसमें लेबनिज हम लोग लगाते हैं। चलिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन में जो प्रॉब्लम दिया है पहले ये चीज प्रूफ कीजिए, y बराबर कितना है, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, इट मीन्स कि y1 कीजिए तो दो आगे आ जाएगा, टू साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आराम से समझ में आ गया होगा, इसको क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वाई वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, तो टू साइन इनवर्स एक्स, इस रूट को हटाने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा वाई वन का स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू दो दूना चार हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग लिख सकते हैं y1 का स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर को हम लोग क्या माने हैं, y माने हैं, तो y ज्यादा दिक्कत है, इसमें लिख देते हैं हेल्प ऑफ इक्वेशन वन से। अब हम लोग क्या किए, प्राप्त किए, तो देयरफॉर y1 का स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, तो फोर वाई हो गया,
इस जगह तक क्लियर हो गया, फोर और वाई आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए अगेन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यू इंटू वी पे चलते हैं। तो वाई वन का स्क्वायर रहा, वन का हो जाएगा जीरो, एक्स स्क्वायर का होगा टू एक्स, बीच में फिर प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर रहा, वाई वन का हो जाएगा टू वाई वन, फिर वाई वन का होगा वाई टू इज इक्वल टू फोर, और y का होगा y1। देखिए u रहा तो 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, प्लस 1 माइनस x स्क्वायर रहा तो फिर y1 का 2y1 इंटू y2। इसको हम लिख सकते हैं 2x इंटू y1 का स्क्वायर, बीच में प्लस 1 माइनस x स्क्वायर, 2y1 y2 बराबर कितना 4y। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2y1 माइनस 2y1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई वन, ये माइनस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई टू होगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y। तो ऑब्वियस है हम 2 से इसको कर देते हैं, 4y1 हो जाएगा 4y1, इसको हम लोग 2 से कर दिए और 2 2 जा 4, आइए y1 y1 क्या हो गया कैंसिल, तब देयर फोर या माइनस से गुना ही कर देते हैं, माइनस एक्स वाई वन माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस 2। देयर फोर अरेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस टू इक्वल टू जीरो। इट मीन्स की पहला मेरा प्रूफ हो गया, फर्स्ट में कहीं कोई तर्क नहीं था कि हम लोग सिंपल जो है 12 में भी ये प्रॉब्लम किए हैं। अब मेन चक्कर है सेकेंड में जो लेबनीज लगाएंगे, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, इसके बाद जस्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे तो क्लियर है, अब हम लोग चलते हैं मेन जो लगाना है। दोनों आता है क्वेश्चन, ए बी करके ही देता है उसमें, ऐसा नहीं कि ए बी एक ही आठ क्वेश्चन में आपको जो है इसमें एक एक ए ने ए दे देगा, ये बी देगा और बी का अलग क्वेश्चन। अब देखिए सिंपल बात है, वाई एन प्लस टू निकालना है, तो हम लोग समझ जाएंगे एन प्लस टू है, इट मीन्स कि हम लोग को लेबनीज ही लगाना पड़ेगा एन तक, ठीक है, लेकिन एन प्लस वन तक लेबनीज अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास n प्लस टू है लेबनीज थ्योरम में, डिफरेंस है एन तक ऑलरेडी हो चुका है, अब n प्लस टू तक डिफ्रेंशिएट करना है। इस चीज को पहले ध्यान से देखिए, ये पोर्शन जो y2 इसी से पता चलेगा, मैंने y2 का मतलब हुआ n प्लस टू, फिर n प्लस वन और n, n तक चलना है। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू है तो y कितना होगा n प्लस टू, y कितना हो जाएगा मेरे पास n प्लस टू, बीच में प्लस पहला हुआ एन सी जीरो, ये हो जाएगा एन सी जीरो, ठीक है, वाई एन दैट मीन्स कि इंटू वी वन, फिर चलिए इसमें तो लगाएंगे एन सी वन, अब वाई एन प्लस वन होगा घटेगा, वन का जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स, ये हो जाएगा वाई एन प्लस वन, बीच में प्लस, देखिए घटते चलेगा, फिर लिखेंगे अगला पद क्या लिखेंगे एन सी टू, देखिए माइनस टू एक्स का वन और ये हो जाएगा वाई एन, वाई एन तक हमको लाना पड़ता है। फिर से एक बार रिकॉल कर देते हैं एन सी जीरो, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू, फिर प्लस करेंगे इसी चीज को पहले कंप्लीट करेंगे, वन का क्या होगा जीरो और माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, दैट मीन्स कि मेरा पद जो होता था क्या होता है एन सी जीरो, ये मेरा यू एन है, ये वी वन हुआ, फिर देखिए यू एन माइनस वन एक कम हुआ वी वन हुआ, मैंने एन प्लस वन, एन तक तो था एन प्लस टू से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एन प्लस वन, फिर क्या होगा एन प्लस टू, अब दिमाग में चलता होगा एन प्लस टू के बाद तो एन प्लस थ्री नहीं होगा, उससे कम आएगा, वाई एन तक हमको लाना पड़ेगा। चलिए ये पोर्शन खत्म, माइनस अब करते हैं इसको, माइनस मेरे पास कितना है तो टू एन प्लस वन है, इस टर्म में मेरे पास कितना है माइनस है टू एन प्लस वन है, यही पोर्शन है कि माइनस है, सॉरी एक्स को कॉमन लिए थे ना, हाँ ये वाला पोर्शन, माइनस देखिए एक्स कॉमन लेते हैं, इस जगह का ना माइनस वाई कितना है, माइनस कॉमन लीजिए तो वाई एन प्लस वन, ये मेरा हो जाएगा एन सी जीरो, फिर से निकालते हैं पहला पद क्या होगा एन सी जीरो वाई, देखिए वन है, वन है तो क्या लिखेंगे वाई एन प्लस वन इंटू वाई एन प्लस वन, और एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा यहाँ पे लिख देते हैं पहला एन सी जीरो इंटू एक्स वाई एन प्लस वन, बीच में फिर से प्लस चलेगा एन सी वन एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन, वाई क्या हो जाएगा एन आ गया, अब बाकी तो ये मेरा जीरो ही, देखिए एन प्लस वन यहाँ वाई वन था तो एन प्लस वन, फिर एक पद आगे किए तो एन प्लस एन सी वन एक्स का वन और वाई हो गया, अब लास्ट में मेरे पास क्या बचा है तो एन स्क्वायर बचा, सॉरी माइनस टू बचा है,
इट मीन्स कि मेरे पास क्या है, कांस्टेंट कितना है, तो माइनस टू। हम लोग जैसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर से समझा देते हैं, एक्स वाई वन है, वाई वन का मतलब क्या हुआ, एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन इंटू एक्स। फिर जो अगला डिफरेंशिएशन करें एन सी वन, तो ये वन हो जाएगा, ये वाई एक घट जाएगा। अब हम एन सी जीरो का मान क्या होता है, वन होता है, इसको लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू। एन सी वन को क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस टू एक्स वाई एन प्लस वन। फिर एन सी टू को देखिए क्या लिखेंगे, एन एन माइनस वन बटे टू इस टू वन गुना माइनस टू इंटू वाई एन। फिर इसको माइनस कीजिए, एन सी जीरो का मान वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन। फिर हो जाएगा माइनस, एन सी वन को एन लिखेंगे इंटू वाई वन, अब बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। देखते हैं कुछ कटेगा तो, ये तो ऑब्वियस है कि कट गया। अब हम इसको क्या लिखेंगे, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई कितना हो जाएगा, एन प्लस टू हो जाएगा। फिर माइनस इसको गुना करेंगे तो टू एन एक्स वाई एन प्लस वन। फिर इसको गुना कीजिए तो बीच में आगे माइनस, एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर वाई एन। ये माइनस से गुना किए तो माइनस क्या हो गया, एन इंटू एन एन स्क्वायर, आगे आ जाएगा माइनस एन में। फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एन इंटू वाई एन, माइनस हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन वाई वन इक्वल टू जीरो। तो देखिए एन वाई वन एन वाई वन ये मेरा कैंसिल हो गया, तो हम इसको क्या लिखेंगे, वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस टू माइनस। इस दोनों में कॉमन ले लीजिए, ये पोर्शन में और ये पोर्शन में, हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं, टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन। देखिए टू एन इंटू एक्स वाई वन हो गया, फिर इससे कॉमन लिए तो ये तो कॉमन ही है, प्लस वन हो गया, और माइनस कितना हो गया, एन स्क्वायर वाई वन इक्वल टू जीरो। यही चीज हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यही है आपका लेबनिस थ्योरम। इसको आप कम से कम वीडियो को दो से तीन बार देखिएगा, आपको समझ में खूब अच्छी तरह से आ जाएगी। ऐसा नहीं कि दो से तीन बार में, एक बार में भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, जितना आप बताएं, दो सवाल बताए हैं, बुक ऑब्वियस है कि होगा ही, एक दो और प्रैक्टिस के सेंस में दे देते हैं कि उसको आप बनाइएगा, देखिएगा कि आपसे बनता है कि नहीं। तो एक सवाल हम इससे क्लियर कर देते हैं, एक और दे देते हैं और आप बनाइएगा, अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो कल हम खुद बताएंगे। एक प्रॉब्लम हम दे रहे हैं क्या, कि या रहने देते हैं, चलिए इतना ही होमवर्क एज ए क्या देंगे, अभी बनाइएगा नहीं, कल देंगे होमवर्क, ठीक है। तो इतना दूर तक आपको वीडियो बनाए, पहले इसको अच्छी तरह से आप समझिएगा, समझने के बाद जो है तब हम लोग जो है कल एक दो प्रॉब्लम और करेंगे, दो नहीं लगभग तीन चार प्रॉब्लम करेंगे, जो कि आपको और अच्छे से क्लियर कट हो जाएगा। इसमें आपको एक बेनिफिट क्या मिलेगा, कि लेबनिज अगर समझ में आ गया तो मैक्लोरियन और टेलर्स भी अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक आज रहने देते हैं, इसके बाद कल जो है, कल आपको जो है प्रॉब्लम देंगे, इससे बनाइएगा बेस से। या ऐसा करते हैं कि एक सवाल दे देते हैं, ट्राई कीजिएगा, अगर बन गया तो अच्छी बात है, ठीक है। y बराबर क्वेश्चन है कि सॉरी y इज इक्वल टू, एक सवाल ये एच डब्ल्यू के लिए दे दिए, y इज इक्वल टू दे रहे हैं हम लोग क्या, तो e पे पावर एक्स स्क्वायर, ई पे पावर एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करना है कि प्रूव दैट करना है, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है वाई एन प्लस वन, वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन प्लस वन माइनस टू एक्स वाई वन, टू एक्स वाई एन, टू एक्स वाई वन माइनस टू एन एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये आप ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, कहीं भी बनेगा तो कोई दिक्कत ना, हम कल बता देंगे वाई एन प्लस वन माइनस टू एक्स वाई वन। चलिए इतना दूर तक जो है आपका आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो को पॉज करके दो चार बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगर एक चीज फिर बोलते हैं कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और प्लस अपने मित्रों को भी बताएं कि चलिए पार्ट वन का चल रहा है क्लास, एक सीक्वेंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे पार्ट वन। तो आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।